Hello everyone, welcome to today's lesson. Today we are going to cover chapter 9 Civics Urban Livelihoods. So, what is our content? Kya wala hai? Aaj hum cover urban livelihood in the marketplace, in the factory workshop area, and in the office area. Before we get into it, I am Sunali. I am a social studies educator at Unacademy i have a bachelor of arts honors at Ashoka university in psychology and international relations i'm doing an advanced research studies diploma uh, i've also worked as an academic researcher at a couple of places and i can speak in hindi and english both ab do you want to ace your school exams this is an Academy? you do right What do you need for it? You need the An Academy Plus subscription and guess what? With my code which is पी जीरो वन यू गेट फ्लैट टेन परसेंट ऑफ ऑन दैट सब्सक्रिप्शन सेव इट आप जानते हैं कि आपको ये अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेनी क्यों चाहिए ऐसा क्या खास है इसमें और इसकी फीचर्स क्या है ठीक है सो यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम अब आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज आपको टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाया जाएगा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आंसर राइटिंग सेशन एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस एंड टू एंड कवर करा जाएगा मेंटरशिप मिलेगी गाइडेंस मिलेगी स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में प्रैक्टिस टेस्ट मिले जाएंगे लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगे बैच कोर्सेज मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेशंस वीकली मॉक टेस्ट लाइव क्विजेज डेली एमसीक्यू सब्जेक्टिव टेस्ट एंड सो मच मोर ठीक है अब प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं विच इज एस पी जीरो वन यू गेट फ्लैट टेन परसेंट ऑफ तो पहले अगर आप वन जीरो फोर टू पर मंथ दे रहे थे ट्वेंटी फोर मंथ के लिए अब आपको सिर्फ क्या देना पड़ेगा नाइन थर्टी एट पर मंथ यूज माई कोड विच इज एस पी जीरो वन सेव इट अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले यू नो थोड़ा एक

वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको जो एक डिटेल रिपोर्ट होगी आपकी क्लासेस के ऊपर आपके परफॉर्मेंसेस के ऊपर फिर आपको मिलता है पेरेंट कनेक्ट अगर आपके पेरेंट्स को कोई मेंटोर से प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है तो ओपन आवर्स मिलते हैं उसके लिए स्टडी प्लानर मिलता है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएँ और अपना मंथली रिव्यू देख पाएँ एंड ऑफकोर्स आपको सारे बेनिफिट्स अन प्लस सब्सक्रिप्शन के तो मिलते ही हैं ठीक है तो अगर आप इसकी प्राइसिंग में जाएं तो अगर आप पहले टू थाउजेंड पर मंथ दे रहे थे फॉर ट्वेंटी फोर मंथ विथ माई कोड जो की एस पी जीरो वन है save it, साथ आपको सिर्फ देने पड़ेंगे एटीन हंड्रेड पर मंथ फॉर ट्वेंटी फोर मंथ इफ यू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अब आई विल सजेस्ट यू गो ट्राई आउट अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस विच आर एब्सोल्यूटली फ्री ऑन द प्लेटफॉर्म गो ट्राई दम आउट एंड आपको क्यों ट्राई करनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको मिलता है लाइव रियल टाइम इंटरक्शन यूजिंग चैट्स एंड एमोजीज वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूजिंग द क्वेश्चंस टैब यू पोल ऑप्शंस फॉर क्विजिस पोल लीडर बोर्ड जहाँ आप अपने फ्रेंड से कंपीट कर सकते हैं ऑल ऑफ दिस यू गेट इन द स्पेशल क्लासेज विच आर एप्सल्यूटली फ्री लेट्स बिगिन द चैप्टर फॉर टूडे विच इज अर्बन लाइवलीहुड तो इन इंडिया देर आर अबाउट फाइव थाउजेंड टाउन्स एंड ट्वेंटी सेवन मेजर सिटीज मेजर सिटीज सच इज़ चेन्नई मुंबई दिल्ली कोलकाता एंड अदर्स हैव पॉपुलेशन ऑफ ओवर अ मिलियन पीपल तो इंडिया में अगर हम टाउन्स काउंट करें ना पूरे तो फाइव थाउजेंड से भी ज़्यादा हैं एंड ट्वेंटी सेवन क्या है मेजर सिटीज हैं ठीक है अब जैसे अगर हम कुछ उनमें से सिटीज़ की बात करें जैसे कि चेन्नई जैसे कि मुंबई दिल्ली, कोलकाता ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन इज ओवर अ मिलियन पीपल विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड सिटीज नाउ द स्ट्रीट्स ऑफ दिज सिटीज आर ऑलवेज बस्टलिंग विद एक्टिविटी क्योंकि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं तो इसकी स्ट्रीट्स कभी खाली तो वैसे भी नहीं हो सकती तो इसमें कोई ना कोई इनकी स्ट्रीट्स में एक्टिविटी होती रहती है जैसे कि इन द सिटी देर आर वेजिटेबल वेंडर्स देर आर फ्लावर सेलर्स देर आर न्यूज पेपर हॉकर्स देर ऑटो रिक्शा देर आर कॉबलर्स बाबर शॉप्स पुशिंग कार्ट्स, बाइक ट्रॉलीज रिक्शा पुलर्स अमंग अदर थिंग्स एंड सो ऑन। अब मेनी पीपल इन सिटीज वर्क फॉर देम

इनको हम बोल सकते हैं अर्बन मार्केट एंड ये जो अर्बन मार्केट्स हैं दीज आर अ वेरी बिजी साइट क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टाइप के शॉप्स होते हैं इतने सारे लोग आते हैं दीज आर वेरी बिजी प्लेसेस ठीक है और इसमें कैसी कैसी वैरायटी ऑफ शॉप्स होती हैं uh, जैसे कन्फेक्शनरी हो गया तो टॉयज़ की शॉप मिलेगी कपड़ों की क्लोदिंग की मिलेगी फुटवेयर की मिलेगी यूटेंसिल्स mm -hmm. की मिलेगी शोरूम्स मिलेंगे एंड सो मच मोर सो दीज आर द टाइप ऑफ शॉप्स दैट यू गेट इन अर्बन मार्केट ठीक है फिर वेंडर्स सेल आइटम्स एट अ फ्रीकवेंटली प्रिपेर एट होम बाय द फैमिलीज अब जो कुछ होते हैं वेंडर्स जो कि कैसे टाइप के आइटम्स बेचते हैं कि वो उनकी फैमिली पे आ, डिपेंड कर पाएँ जो आ, उनकी फैमिली जैसे कुछ कह रहे कि एक वेंडर है जिसकी फैमिली कुछ टाइप की चीज़ें बनाती है वो वेंडर वही चीजें मार्केट प्लेस में बेचता है ठीक है एंड उससे अपना लाइवलीहुड कमाता है अब वो क्या वेंडर्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि बाय क्लीन एंड प्रिपेयर देम फॉर सेल तो वो क्या करते हैं कई बार उनको क्लीन भी करते हैं उन आइटम्स को उनको सॉर्ट करते हैं उनकी ऐसी और चीजें बनाते हैं और उनको फिर मार्केट्स में ही सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट ठीक है नाउ इंडिया हैज अराउंड वन करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही वन करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं कितने वन करोड़ से ज्यादा विच इज सच ए लार्ज नंबर कि स्ट्रीट वेंडर्स ही इतने ज्यादा हैं एंड इन्हीं में अगर हम बात करें तो देर आर मैनी ऑनटरप्रिनर्स हु वर्क देयर ओन बिज़नेसेस तो इफ यू टॉक अबाउट पीपल हु आर वेंडर्स नाउ अगर देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स क्या है वो खुद की चीजें खरीदते हैं खुद उसको क्लीन करते हैं खुद उसको बनाते हैं और खुद उसको बेचते हैं तो उनका हो गया है खुद का बिजनेस जो खुद का बिजनेस करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑनटरप्रिन तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रीट पेंडर्स हो गए इतने सारे हमारे ऑन्टरप्रिनोर्स ठीक है अब हम बात करते हैं पोल की विच वॉज कंडक्टेड इन अहमदाबाद कि दोज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट इन अहमदाबाद अकाउंट फॉर ट्वेल्व परसेंट ऑफ ऑल वर्कर्स इन द सिटी तो जो सारे वर्कर्स हैं सिटी में उनमें से ट्वेल्व परसेंट तो ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट पे काम करते हैं जो कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं अमंगस्ट ऑल हंड्रेड परसेंट वर्कर्स इन दिटी सिटी राइट अब ही अर्बन मार्केट्स में ही अर्बन सिटीज में और क्या है देर आर ऑफिस इन द अर्बन मार्केट दैट सप्लाई इंडिविजुअल्स विद सर्विस बैंकिंग कोरियर्स इन अदर सर्विसेस तो अभी तो हमने बात करी थी प्रोडक्ट्स की कि कुछ वेंडर्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं कन्फेक्शनरी शॉप्स होती हैं ग्रोसरी शॉप्स होती हैं स्टेशनरी शॉप्स होती हैं और ये सब हो गया हमारे प्रोडक्ट्स अब एक और टाइप का जो हम शॉप्स की बात कर रहे हैं वो क्या है सर्विसेज ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है अर्बन मार्केट्स में जैसे कि बैंकिंग बैंक्स होते हैं कोरियर्स की शॉप होती है पोस्ट ऑफिस होता है जैसे ठीक है और अदर सर्विसेज जो कि सिटीज में प्रोवाइड करी जाती हैं। नाउ द सिटी हैज बिग नंबर ऑफ डेली वेज वर्कर्स वर्क एज अस असिस्टेंट्स। तो जो मेसन होता है उसके भी असिस्टेंट्स की तरह बहुत बड़ा नंबर ऑफ डेली वेज वर्कर्स है कि जो अपना डेली की वेज के हिसाब से काम करते हैं सिटीज ठीक है नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क इन मैनुफैक्चरिंग अब बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में जैसे क्लोदिंग फैक्ट्रीज कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं इनको कैसे एम्प्लॉय करा जाते है इनको एम्प्लॉय करा जाते है कैजुअल लेबरर्स की तरह कैजुअल जॉब्स आर नॉट परमानेंट जॉब्स दे हैव नो सिक्योरिटी एंड दे लैक सफिशेंट फैसिलिटीज फॉर एनी मिसहैप ओल्ड एज मेडिकल केयर एंड सोन सो कैजुअल जॉब्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर नहीं कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है कोई मेडिकल केयर कोई इंश्योरेंस एनी थिंग यू डोंट गेट ओके इन इनी कैजुअल जॉब्स के अलावा और किस टाइप की जॉब होती है अर्बन सिटीज़ में न देर इज़ ऑल्सो अ वेरी वाइडली नोन जॉब विच ऑफ पीपल डू इन सिटीज विच इज़ द कॉल सेंटर जॉब अब ये कॉल सेंटर्स क्या होते हैं दे आर मेजर सेटअप्स लार्ज सेटअप्स इन यूज रूम्स जहाँ कंप्यूटर्स हैं टेलीफोन वर्क स्टेशन हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे कॉल सेंटर्स बनाती हैं फॉर देयर कस्टमर सर्विसेज एंड फॉर देयर एंड टू एंड जॉब्स ऑन अ डेली बेसिस ना इंडिया हैज़ सच अवज नंबर ऑफ दिस कॉल सेंटर्स एंड ऑफ ऑल ऑफ़ दिस अर्बन जॉब्स जिनकी हमने बात करी है, इनकी इंडिया में काफ़ी अबंडेंस है तो तभी इंडिया इज़ अ एज़ अ मेजर हब फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेसिस तो इसी वजह से इंडिया इज़ अ मेजर हब डोमेस्टिक बिजनेसेस के लिए और इंटरनेशनल कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करके अपने offices खोलती हैं वर्किंग इन इन अ अ कॉल सेंटर इज रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ जॉब मेजर सिटीज तो पहले जो लोग डेली वेज वर्कर्स की तरह काम करते थे अब वो एजुकेशन पा रहे हैं अब वो कॉल सेंटर्स में काम कर पा रहे हैं सो दिस इज दैट्स वाई इतनी बड़ी स्केल पे जॉब के उससे रिलेटिवली न्यू है एज अ टाइप ऑफ जॉब अब हम आते हैं इन द मार्केट पे मार्केट आर लोकेशन वे पीपल बाई ग्रोसरी स्टेशनरी फुटवेयर किचनवेर इलेक्ट्रिकल आइटम मेडिसिन या अदर नेसेसिटी सच परमानेंट नेसेसिटी ने टेम्प्री ने फर्नीचर लगा लो कुछ भी ऐसा जो डेली बेसिस पे काम आता है ठीक है अब आप सब मार्केट तो जाते होंगे एवरी वन द मार्केट फॉर अ डिफरेंट पर्पज हमें कभी कुछ खरीदना होता है तो हमें कभी कुछ खरीदना होता है ठीक है तो जो इन शॉप्स के जो ओनर्स होते हैं ना और जो ये जो पॉपुलेशन की डेली नीड्स को देखते हैं कि अच्छा हम क्या प्रोडक्ट बनाए जो हमारा कंज्यूमर आके हमसे खरीदेगा इनको हम क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं बोला जाता है बिजनेस पीपल नाउ द साइज ऑफ द कंपनी इज डिटर्म बाय द अमाउंट ऑफ मनी दे इन्वेस्ट तो उनकी कंपनी कैसे बढ़ती है और कितनी बड़ी है कैसे कंसिडर होगा जितना इन बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है जितना उन्होंने पैसा खर्च करके अपनी कंपनी को बड़ा बनाया है उतना उनकी, उतना उनकी उनकी सॉरी कंपनी का साइज समझा जाता है ओके दे कुड बी अ स्मॉल बिजनेस या तो हो सकता है वो बिजनेसमैन ने छोटे स्केल पे पैसा लगाया है वो एक स्मॉल बिजनेस ऑन्टरप्रनोर है छोटा बिजनेस चलाता है या फिर दे कुड बी अ लार्ज कॉर्पोरेशन एक लार्ज कंपनी जिसके काफ़ी सारे शोरूम्स हैं या फिर कुड भी ब्रांड्स जो फ्रेंचाइजी जिनकी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रांड्स हैं ये सब टाइप के बिज़नेसेस होते हैं स्मॉल बिज़नेसेस हो गया लार्ज कॉरपोरेशंस हो गई शोरूम्स जिनके होते हैं या फिर वेल नोन ब्रांड्स ठीक है नाउ पीपल वर्क इन द मार्केट शोरूम्स तब क्या होता है इन्हीं मार्केट शोरूम्स में लोग भी इम्प्लॉय तो जो ओनर होते हैं जो बिजनेस होते हैं वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं वर्कर्स को सुपरवाइजर्स को टू सी टू केटर टू कस्टमर्स एंड टू हैंडल अब एक बिजनेस मैन जो अपना काम खोल रहा है सेम टाइम सो ही नीड्स पीपल वर्किंग अंडर हिम सो वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स वर्क फॉर द बिजनेस ओनर इन दीज लोकेशन अ लीगल लाइसेंस इज गिवन बाई स्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के अपना बिजनेस खोल सकता है एक लीगल लाइसेंस की जरूरत होती है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती है सिटी की टू कंडक्ट योर बिजनेस टू क्वालिफाई एज अ बिजनेस मैन इन द मार्केट दर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टोर ठीक है अ मार्केट इज यूजअली फाउंड नियर एंड विद इन अ कंफाइंस ऑफ अ सिटी तो अब ये जो मार्केट्स होती हैं या तो ये किसी सिटी के पास में होती हैं या फिर सिटी के अंदर होती हैं ताकि क्यों होती है सिटी के पास और सिटी के अंदर ताकि पीपल कैन गेट दैट डेली नीड्स मेट ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द लोकेशन ताकि लोगों को इतनी दिक्कत ना हो बहुत दूर नहीं ट्रैवल करना पड़े मार्केट्स के लिए इसलिए तो सिटी में काफ़ी मार्केट्स होती हैं एंड सिटी के बिल्कुल पास पास में भी काफ़ी मार्केट्स होती हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज अवेलेबल इन एन अर्बन मार्केट फ्राम मेडिसिन टू क्लिनिक्स टू ग्रोसरीज टू स्टेशनरी तो ये जो अर्बन मार्केट होती हैं क्योंकि ये सिटीज में है तो इसमें ए टू जेड सारी चीजें मिल जाएंगी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं मोस्टली जो भी इंसान को डेली नीड्स के लिए चाहिए ठीक है नाउ ही कम टू इन द फैक्ट्री शॉप एरिया ठीक है अब हम बात करें फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया की तो द फैक्ट्री एरिया अभी तो हमने बात करी अर्बन मार्केट्स की ना तो फैक्ट्री एरिया ऑन दी अदर हैंड इज ए सेपरेट जोन इन एन अर्बन कम्युनिटी दैट इज सेपरेटेड फ्राम द पॉपुलस रीजन अब क्या होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया या फैक्ट्री एरिया होता है वो हमेशा सिटी से थोड़ा अलग होता है या तो सिटी के एक कॉर्नर पर हो गए सिटी से थोड़ा दूर होगा यहाँ जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है सिटी में उस एरिया से दूर होता है ठीक है

पे है, लेकिन जो वेस्ट, वहाँ की एनवायरमेंट है उसको बहुत हार्म हो रहा है इस फैक्ट्री की वजह से तो उस रीजन की वजह से कई बार गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को रिलोकेट कर लेती है की तुम इस एरिया में नहीं रहो यहाँ की एनवायरमेंट को बहुत हार्मी हम तुम्हें किसी और एरिया में शिफ्ट कर देंगे जहाँ हार्म हमारा ऑटोमेटिकली लेसन हो जाए ठीक है अब जैसे कि बेकरीज़ हैं या टेलरिंग शॉप्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं अब ये ऐसी हैं जिनसे इन्वायरमेंट को इतना हार्म नहीं होता तो ये पॉपुलेटेड एरियाज़ के पास सिटीज में भी सिचुएशन हो सकती हैं ठीक है ऑन दी अदर साइड वर्कशॉप एरियाज जो कि ये बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनसे हो सकता है कि इन्वायरमेंट को हार्म हो वो अब ऐसे इनहेबिटेड पॉपुलेशन वाले एरिया से दूर लोकेटेड होती ठीक है अब काम किस वे में फंक्शन करता है एवरी डे द लेबरर्स कम हियर, तो लेबरर्स जहाँ भी वो लोग रहते हैं अपने होम से दे कम टू द फैक्ट्री दे कम टू वर्कशॉप, दे एंड लुक फॉर वर्क तो अगर उन्हें काम मिल गया ठीक है तो ये एम्प्लॉयर बन एम्प्लॉय बन जाते हैं उस फैक्ट्री के एंड ये जो एम्प्लॉय हैं अब इनको थोड़ी जॉब सिक्योरिटी होती है कुछ फैक्ट्रीज अपनी एम्प्लॉय को लंबे ड्यूरेशन के लिए हायर करती हैं तो इन्हीं एम्प्लॉय को अब डेली नहीं काम ढूंढना पड़ता दे नो कि एवरी डे दे विल कम टू द सेम फैक्ट्री टू वर्क अब दीज वर्कर्स मे इंजॉय लिफ्टिंग लोड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एमटिंग और लोडिंग कैरिंग व्हीकल्स डिगिंग पाइप लाइन एंड कंस्ट्रक्टिंग ना एक और टाइप के लेबरर्स हैं होम आइट या तो उनको लोड लिफ्ट करने के लिए काम दिया जाता है या रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर लोडिंग करने के लिए एम टी कैरियर्स को व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन डिग करने के लिए होम कंस्ट्रक्शन में या और ऐसी चीजों में डेली बेसिस पे अलग अलग काम दिया जाता है अब दिस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज रिलायंट ऑन मैनुअल लेबर तो ये जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं ये किस पर रिलायंट है मैनुअल लेबर पे टू रीच बोथ एंड्स दे मस्ट वर्क इन अनहेल्दी सेटिंग्स एंड देयर पेमेंट्स आर इक्वली लिटल एंड इनफ्रीक्वेंट तो अभी जो मैनुअल लेबर की हम बात कर रहे हैं नाउ दे समाइम्स वर्क इन अनहेल्दी सेटिंग्स एंड ये जो उनका पेमेंट होता है कई बार काफ़ी इनफ्रीक्वेंट है और लिटल होता है तो मैनुअल लेबर वो होते हैं जो मैनुअली क्लीनिंग uh, करते हैं पाइपलाइंस की क्लीनिंग ड्रेनेज की क्लीनिंग तो वो होते हैं हमारे मैनुअल लेबर तो उनको कई बार अनहेल्दी कर सेटिंग्स में काम करना पड़ता है एंड उनकी जो पेमेंट होती है वो भी इनफ्रीक्वेंट होती है या ऐसे होती है कि uh, थोड़ी होती है जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से और राइट right.

and in exchange of what they are paid for their everyday services, they put money into their families and schooling while also saving for a future asset. so These people who work in offices ab वो family pe पैसे lagate hain apne bachcho ko school bhejte hain aur future में कुछ खरीदने के लिए पैसे save करते हैं। और ये और भी ज़्यादा financial channels में money invest करते हैं ताकि इनको future में rewards मिले। So this is all for today. Thank you. I hope this lesson could clear a lot of your doubts. If you have any more, you can put them in the comment section. I will make sure to answer them definitely. this is an academy class apart it should be a one stop solution for exam preparation you get the best educators all cbse curated content everything one shot session social study 6:30 pm like this video share it with your friends help them a uh, bahut easy chapter hai itna mushkil nahi hai अर्बन एंड रूरल लाइवलीहुड दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट कई बार कनेक्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं subscribe to अन अकेडमी क्लास अपार्ट Good luck for your exams and let's crack it with Unacademy. I will see you next lesson. Bye bye.